इंदौर नगर निगम और पुलिस विभाग के द्वारा शुक्रवार को असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें, हमले ने बाणगंगा इलाके में दो स्थानों पर कार्रवाई करते हुए मकानों को ध्वस्त कर दिया है। गुंडे, बदमाश और नशे के अवैध कारोबार में शामिल असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने और उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए इंदौर पुलिस और नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। संयुक्त कार्रवाई के तहत बाणगंगा इलाके के भवानी नगर में कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पर रहने वाले बदमाश महेश भाट के मकान को ध्वस्त किया गया है। बदमाश भाट नशे के अवैध धंधों में भी शामिल है। इसके खिलाफ थानों में अनेक मामले दर्ज हैं। इसने पिछले दिनों कॉलोनी में नशे की हालत में तोड़फोड़ की थी। बताते हैं कि महेश बच्चों को भी नशा करना सिखाता था। एक अन्य कार्रवाई सुखलिया ग्राम इलाके में भी की गई। नशे के अवैध धंधों में शामिल रही महिला डिंपल रेखवाड़ के मकान को भी निगम के अमले के द्वारा तोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार महिला डिंपल लंबे समय से नशे का कारोबार कर रही है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था।